Hi guys, welcome back to my channel. So in this video, I'm going to explain how you have to make assignment or clinical demonstration on packaging instrument for sterilization. So आप इसको as a notes भी use कर सकते हैं कि अगर question आता है how you will pack instrument for sterilization. So you can uh, write this procedure. और ये एक procedure form में है. ये clinical demonstration में भी हमें कभी-कभी present -कभी करना हो सकता है कि कैसे हम instrument pack करेंगे. स्टेडलाइजेशन uh, में अगर हमें उसे भेजना है तो तो अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं लाइक क्लिनिकल डेमोस्ट्रेशन बना रहे हैं तो सबसे पहले आएगा, आएगा आपका फ्रंट पेज फ्रंट पेज जो जो होगा इस तरीके का लाइक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उसमें लिखा होगा अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो प्राइवेट से कर रहे हैं तो आपके कॉलेज का नाम होगा उसके बाद आएगा क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन या अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो वहां पर आएगा नॉर्मल असाइनमेंट फिर ऑन जो टॉपिक है आपका पैकेजिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टेलाइजेशन उसके बाद एक साइड आएगा सबमिटेड 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 टू टू नेक्स्ट साइड आएगा बाय में आप टीचर का नाम लिखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग या जो भी आपके कॉलेज का नाम है वो लिखेंगे ट्यूटर लिखेंगे ट्यूटर का नाम लिखेंगे सबमिटेड बाय अपना नेम लिखेंगे बी एस सी नर्सिंग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर जो भी आपका नेम है आप यहाँ पे वो मैंशन करेंगे उसके बाद लास्ट में आएगा सबमिटेड ऑन सो ये बेसिक एक फ्रंट पेज होता है ये हर कॉलेज का अलग अलग होता है अगर अगर आपको फॉर्मेट नहीं मिल रहा है कैसे बनाए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन be effective sterilization agent must come in direct contact with all the surfaces of every instrument the first instrument must be packed individually or in sets in such a way to allow adequate exposure to the sterilant, to prevent air from being

जो मशीन होती है जिसमें स्टेलाइजेशन की प्रोसेस होती है अगर आप किसी और मेथड से कर रहे हैं बेसिकली जो हॉस्पिटल का सामान होता है वो ऑटोक्लेव वाली प्रोसेस से ही स्टेरलाइज होता है ऑटोक्लेविंग में क्या होता है कि हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यूज करते हैं तो उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस बैक्टीरिया फंजाइए सारे अपने स्पोर्स फॉर्म में भी किल हो जाते हैं तो इसलिए हम ऑटोक्लेविंग की प्रोसेस यूज करते हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन यही था कि अगर आप किसी भी चीज को स्टेलाइज करने के लिए भेज रहे हैं ईदर डिस मैट्रेस बेडशीट और मैकेटॉश और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स ओटी इंस्ट्रूमेंट्स तो mattress, sheet, or or instruments, instruments, so आपको जो भी आप, आप उसको इस तरीके से पैक करना है कि जो सारे इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरीके से स्टेलाइज हो जाए कि किसी भी चीज में मॉइस्चर ट्रैप ना रहे कोई डर्ट अगर किसी चीज में फंसी हुई है तो उसके अंदर ना रह जाए तो आपको इस तरीके से पैक करना होता है कि सारे इंस्ट्रूमेंट को इफेक्टिव स्टेलाइजेशन प्रोसेस जो है वो सारे इंस्ट्रूमेंट ले सके सो so, इसमें आप इंट्रोडक्शन में ये लिखने के बाद स्टेलाइजेशन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं उसकी प्रोसेस क्या क्या होती है डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टेलाइजेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं बाद आता है पर्पसेस कि हम स्टेलाइजेशन क्यों कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का टू अलाउ द स्टेरलाइजेशन ऑफ पैकेज कंटेंट ताकि

न्यूट्रिशन पावर होगी स्टेलाइजेशन एजेंट की वो सारे आइटम को स्टेरलाइज कर सके ऐसा नहीं कि कोई एक आइटम स्टेलाइज हो रहा है जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो गंदा क्वालिटी का है एक साइड से मोटा है एक साइड से पतला है ऐसा मटेरियल नहीं यूज करना है नेक्स्ट इज

permit identification of the content and evidence and exposure to a sterilizing agent next is cover item completely and easily uh, fasten securely with tape or a short हीट सील दैट नॉट बी रिलीज आफ्टर ओपनिंग हमको जो है जो आइटम्स uh, हैं उसको अच्छी तरीके से कवर करना है और उसमें छोटा सा सील लगाना है ताकि आइटम्स खुले ना रेजिस्ट टेयर्स एंड पंचर्स इन हैंडलिंग इफ एक्सीडेंटल टेस्ट एंड होल्स डू अकर दे मस्ट बी विजिबल अगर किसी चीज़ में होल है तो वो पूरा विजिबल होना चाहिए टेयर्स नहीं करना है पंचर किसी भी चीज़ को नहीं करना है क्स्ट जो इसके बहुत सारे पैकेजिंग जो कंसिडरेशन है वो आप यहाँ पे से देख के लिख सकते हैं कुछ कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया नेक्स्ट इज परमिट इजी रिमूवल ऑफ द कंटेंट विथ ट्रांसफर ऑफ द स्टेराइल फील्ड विदाउट कंटामिनेशन और डिटोरिएशन आपको जो अगर आप खोल रहे हैं सामान को आपको ऐसे तरीके से हटाना है कि आप जहां पे उस सामान को रखें वो जो प्लेस है वो कंटेमिनेट ना हो और जो आपका इंस्ट्रूमेंट आपने कोई भी चीज स्टेलाइजेशन के लिए भेजी है वो खराब ना हो तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन आप सारा इसको अपने नोट्स में यूज कर सकते हैं असाइनमेंट में भी इसे यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक जो पैकेजिंग इंस्ट्रूमेंट है ये एक प्रोसीजर होता है तो प्रोसीजर है तो इसमें बेसिकली होंगे तीन टाइप के स्टेप्स लाइक प्री प्रोसीजरल स्टेप इंट्रा प्रोसीजरल एंड पोस्ट प्रोसीजरल स्टेप तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री प्रोसीजरल स्टेप आइडेंटिफाई द आइटम टू बी पैक्स फॉर स्टेलाइजेशन चेक फॉर रिटर्न इंस्ट्रक्शन फॉर पैकेजिंग मटरियल एंड स्टेरलाइजेशन तो प्री स्टेप्स क्या होंगे कि आपको आइटम को पैक करना है स्टेरलाइजेशन के लिए आपको रिटर्न ऑर्डर चेक करना है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है स्टेलाइजेशन के लिए जाने वाले हैं ये था जो हम इंस्ट्रूमेंट पैक कर रहे हैं उससे पहले हमें क्या करना है हमको बस ये करना है कि हमें जो आइटम्स है आइडेंटिफाई करना है और रिटर्न ऑर्डर चेक करना है कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है स्टेलाइजेशन के लिए उसके बाद आता है इंट्रा इंट्रा में हम क्या करेंगे सीक्वेंटल रेपे

टू प्रोवाइड अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन वैन ओपनिंग आफ्टर स्टेरेलाइजेशन तो ये सारे स्टेप्स हैं कि आपको कैसे अपने शीट को जो है फ्लैट सर्विस पे प्लेस करना है कैसे उस पर इंस्ट्रूमेंट प्लेस करना है कैसे उसे फोल्ड करना है ताकि जब वो आप उसे ओपन करें स्टेलाइजेशन के बाद वो ताकि कॉन्टामिनेट ना हो रिपीट द सेम प्रोसीजर विद एंड टर्ड यू लाइनिंग अप ऑफ डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ फर्स्ट कफ टू मेंटेन सिमिट्री आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है कि दो प्लेस दो जो आप शीट ले रहे हैं उसको प्लेस करना है उसके सेंटर में आपको अपने सारे इंस्ट्रूमेंट प्लेस करने हैं फिर उसको बैक फोल्ड करना है उसको इस तरीके से फैन फोल्ड करना है ताकि वो जो कंटेमिनेशन प्रिवेंट कर सके जब स्टेरिलाइजेशन के बाद वो आए तो ये सारे थे इंट्रा प्रोसीजरल स्टेप कि आपको कैसे पैक करना है अपने आइटम्स को repeat the same step with end towards you lining up a cuff directly on top of the first cuff to maintain symmetry तो so, आपको symmetry maintain करने के लिए ये सारे step दोबारा जो है वो repeat करने हैं ताकि एक side से symmetry आपने एक side से fan fold कराए तो आपको उसी तरीके से fan fold दूसरी side से भी करना है तो ये सारे थे intra procedural step के आपको कैसे कैसे करना है अगर आपको notes बनाने हैं तो these notes are very important इसके बाद देखते हैं मिटल लेफ्ट एंड एंड फोल्ड नीटली अप ओवर द पैक रिपीट द सेम स्टेप फॉर आउटर रैपर बाय फैन फोल्डिंग ओपन एंड अवे फ्रॉम द पैकेज तो ये सारे जितने भी स्टेप मैंने यहां पे मेंशन करे हैं ये सारे स्टेप हैं कि आपको कैसे प्लेस करना है कैसे इंस्ट्रूमेंट प्लेस करना है और कैसे उसे फोल्ड करना है अंदर से भी बाहर से भी तो ये सारे थे लास्ट में आएगा रिपीट द सेम स्टेप विथ राइट साइड ऑफ पैकेजेज उसके बाद देखते हैं सीक्वेंटल रैपिंग विद टू रैपर इन वेला फोल्ड उससे इससे पहले हमने देखा था फैन फोल्डिंग अब हम देखेंगे इनवे फोल्डिंग तो दो तरीके की फोल्डिंग मैंने आपको बताई है फैन फोल्डिंग एंड नेक्स्ट इज इनवे फोल्डिंग सो इनवे फोल्डिंग कैसे करेंगे प्लेस टू रैपर ऑन फ्लैट वन पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू आपको ऐसे प्लेस करना है कि उसका एक पॉइंट आपकी तरफ हो प्लेस एन आइटम टू बी रैव्ड इन सेंटर ऑफ रैपर विद इट्स टू यू आपको ऐसे प्लेस करना है की उसकी लेंथ जो है आपके पैरल आए फोर्ड कॉर्नर ऑफ इनर रैपर नियरस्ट टू यू ओवर द आइटम अंटेल इट इज कम्प्लीटली फोर्ड तो इस तरीके से रैप करना है ताकि वो जो आप आइटम रैप कर रहे हैं वो आपके नियरेस्ट कॉर्नर पे हो फोल्ड कॉर्नर बैक टूवर्ड यू टू टू थ्री इंच इंचेज में आपको इसको फोल्ड करना है कॉर्नर से फोल्ड लेफ्ट साइड ऑफ द रैपर ओवर एंड पैरेलल टू इट जो लेफ्ट साइड होगा उसको आप रैपर की तरफ फोल्ड करेंगे पैरेलल टू इट जिस डायरेक्शन में आपने अपने इंस्ट्रूमेंट रखे हैं आपको उसी डायरेक्शन में उसको लेफ्ट साइड से फोल्ड करना है ये डायग्राम में भी देख सकते हैं इट इज़ नॉट टू लर्न दी स्टेप थ्रू थ्रू दीज सो अगर आप इसको क्लिनिकल डेमो में प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको इससे पहले एक वीडियो देखनी पड़ेगी इन जो स्टेप्स है स्टेप नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी अगर आप नोट्स बना रहे हैं असाइनमेंट बना रहे हैं तो उसके लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर आप uh, uh, अगर आपको क्लिनिकल डेमो देना है या एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करना है तो यू शुड सी द वीडियो दैट हाउ यू हैव टू पैक ऑल द इंस्ट्रूमेंट सो इन वाला फोर्ड मैंने आपको डायग्राम में भी दिखा रखा है इस तरीके से आप अपना डायग्राम भी बना सकते हैं अगर आप नोट

और शेल्फ लाइफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेलाइजेशन इंड साइकिल नंबर एंड डेट ऑफ स्टेलाइजेशन तो आपको उसमें एक स्टेरलाइड जो आप पैक है आपको उसमें एक लेबल लगाना है जिसमें आ, क्या क्या आपने उसके अंदर सामान रखा है वो लिखना है उसका एक्सपायरेशन और सेल्फ लाइफ लिखनी है कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है आ, उसका साइकिल नंबर कितना है और डेट ऑफ स्टेलाइजेशन कब वो आप स्टेरलाइजेशन के लिए भेज रहे हैं आपको वो डेट भी यहाँ पे मैंशन करनी है उसके बाद आते हैं स्पेशल कंसिडरेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर द सिलेक्शन एंड यूज ऑफ पैकेजिंग शुड बी रिटर्न रिवाइव प्रियोडिकली

दो सेट हैं तो आपने ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही सेट को दो बार स्टेलाइजेशन के लिए भेजें और दूसरा सेट स्टेलाइजेशन के लिए जा ही ना पाए तो इसलिए आपको उसमें प्रॉपर लेबलिंग करनी है ताकि इन्वेंट्री कंट्रोल रह सके उसका मेंटेन रिकॉर्ड रह सके और जो है कंटेमिनेशन से आप पेशेंट को प्रिवेंट कर सके था आपके लिए असाइनमेंट या क्लिनिकल डेमोस्ट्रेशन या आप नोट्स कह सकते हैं कि हाउ यू हैव टू राइट द क्वेश्चन अगर आपको आता है हाउ हाउ यू यू विल पैक द इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टेलाइजेशन तो प्री इंट्रा और पोस्ट में आपको ऐसे स्टेप्स अलग अलग दिखाने और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल विद ऑल द इंपॉर्टेंट स्टाफ ऑफ बी एस सी नर्सिंग एंड जीएनएम थैंक्स फॉर वॉचिंग